नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, एक बार फिर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। बीजेपी के हिस्से आई 8 सीटें और कांग्रेस के साथ वही हुआ जो पिछले चुनाव में हुआ था, यानी नील बट्टे सन्नाटा, 0 सीटें। पार्टी के 63 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिनकी जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस लड़ी भी 66 सीटों पर ही थी, यानी केवल 3 उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचा पाए। ये कौन लोग हैं ये बताएंगे आपको, पर पहले बताते हैं कि जमानत जब्त होना होता क्या है। चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार चुनाव आयोग के पास कुछ पैसे जमा करता है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को 25,000 रुपये जमा करने होते हैं, विधानसभा चुनाव में 10,000 रुपये, ये जमानत राशि होती है। शर्त ये रहती है कि अगर प्रत्याशी उस सीट पर पड़ने वाले कुल वोट का छठवां हिस्सा 1/6 वोट भी नहीं जीतता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। परसेंट में बात करें तो कुल वोट का 16.6% ये होना चाहिए। अब बात जमानत बचाने वाले 3 कांग्रेसी प्रत्याशियों की। पहला नाम अरविंदर सिंह लवली, गांधीनगर विधानसभा सीट से उतरे थे। सीट पर पड़े कुल वोट 1,13,935। कौन जीता? अनिल कुमार वाजपेयी बीजेपी से। अनिल कुमार को 48,824 वोट मिले, यानी 42.64% वोट। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी रहे, उन्हें 42,745 वोट मिले। इस सीट पर अरविंदर सिंह लवली को 21,913 वोट, यानी 19.14% वोट मिले, यानी कि वोट परसेंट 16.6% से ज़्यादा था, इसलिए लवली की जमानत बच गई। कौन है लवली? दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1998 से 2013 के बीच दिल्ली में 4 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। चारों बार कांग्रेस ने गांधीनगर सीट से लवली को उतारा था। चारों चुनाव में उन्हें जीत मिली थी। 2015 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, 2020 में कांग्रेस ने उतारा और वो हार गए। दूसरे कांग्रेस उम्मीदवार हैं देवेंद्र यादव, बादली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। सीट पर पड़े कुल वोट 1,39,638। जीतने वाले प्रत्याशी रहे आजेश यादव, आम आदमी पार्टी के। आजेश यादव को 69,357 वोट्स मिले, यानी 49.67% वोट्स मिले। बीजेपी के विजय कुमार भगत को 40,234 वोट मिले। तीसरे नंबर पर देवेंद्र रहे, उन्हें 27,449 वोट मिले, यानी 19.66%। इस तरह वे जमानत बचाने में कामयाब रहे। कौन है देवेंद्र यादव? फेसबुक पेज के बायो में लिखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सचिव हैं और राजस्थान के इंचार्ज लिखा हुआ है। NSUI से राजनीतिक करियर शुरू किया था। 2002 और 2007 में 2 बार MCD का चुनाव भी जीता था। 2008 में बादली से कांग्रेस ने विधानसभा का टिकट दिया था, जीते भी। 2013 में भी कांग्रेस ने इसी सीट से उतारा, इस बार भी जीत गए। 2015 में भी कांग्रेस ने बादली से टिकट दिया, लेकिन आपके आजेश यादव के हाथों हार मिली। 2020 में भी ऐसा ही हुआ। तीसरे और आखिरी कांग्रेसी नेता हैं अभिषेक दत्त, कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। यहां पर कुल वोट पड़े 91,710। जीतने वाले रहे मदन लाल, आम आदमी पार्टी के। मदन लाल को 37,100 वोट मिले, यानी 40.45%। दूसरे नंबर पर बीजेपी के रविंदर चौधरी रहे, उन्हें 33,935 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के अभिषेक दत्त को 19,648 वोट मिले, यानी 21.42%। इस तरीके से ये भी 16.6% से ज़्यादा वोट पाए और जमानत बचाने में कामयाब रहे। कौन है अभिषेक दत्त? शुरू से कांग्रेस में, साल 2012 में एंड्रयूजगंज से चुनाव लड़ा था, जीत भी मिली थी। 2017 में भी एंड्रयूजगंज से पार्षद बने। इस बार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का टिकट दिया, पहला विधानसभा चुनाव था, जीत नहीं मिल सकी, लेकिन जमानत बचाने में कामयाब रहे। इन तीनों के अलावा बाकी 63 का क्या हाल हुआ वो रिजल्ट में आपने देखा। अब बारी है अरविंद केजरीवाल की, वो इसी संडे को तीसरी बार CM पद की शपथ लेंगे और हम आपको ऐसे ही दिल्ली चुनाव के सभी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए dillallantop.com। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पे हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा एक नया पेज शुरू हुआ है। अगर आपको कविताएं कहानियां पसंद हैं तो लटक नाम के इस पेज को भी फॉलो करें। शुक्रिया।